हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है होम थिएटर रिपेयरिंग का, ये होम थिएटर जो है कुछ अलग ही कंपनी है, आर्ट कुछ अलग ही ब्रांड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसमें। और एक कंपनी का होम थिएटर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, या कोई भी होम थिएटर हो तो ऐसा प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो इस तरह का होम थिएटर में ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप इजीली कैसे रिपेयर कर पाएंगे, जैसे कि आर्टिस्ट करके कुछ ये होम थिएटर है। तो इस होम थिएटर में क्या हुआ कि चूहे घुस के वायर को कटिंग कर दिया है, लेकिन इसकी बात ये है कि इसमें वायर जो है ज़्यादा कटिंग नहीं किया, थोड़ा बहुत ही वायर का कटिंग का प्रॉब्लम है। और एक वायर कटिंग होने की वजह से यहाँ पर इस बोर्ड में प्रॉब्लम आया है कि एक कैपेसिटर इसका फूल गया है और ख़राब हो गया। तो इस वीडियो में एक कैपेसिटर लगाऊंगा और इसका वायरिंग करके, नॉर्मल वायरिंग करके आपको दिखाऊंगा, जो कि कनेक्शन कहां कहां से कटी हुई है, वो सारी चीज़ को इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर, रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए, मैं इसकी कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड। और बहुत ही इजी है इसकी कनेक्शन करना, क्योंकि चूहा जब भी वायर काटती है तो उसकी सेकंड वायर को मुझे पता चल जाती है, या किसी को भी वो वायर खोजना पड़ता है। जब वो वायर मिल जाएगा तो उस वायर को कनेक्ट करके बिजली अपना होम थिएटर को चालू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ को करूँगा। यहाँ पर फ़िलहाल मैं अभी कैपेसिटर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि कैपेसिटर जो है फट गया है, उसके जगह पे मैं यहाँ पे न्यू कैपेसिटर लगाने का कोशिश करूँगा और न्यू कैपेसिटर यहाँ पे लगाऊँगा। तो वायरिंग करने का जो मेरा जो तरीका फ्रेंड वायरिंग का, सिंपल वे में बता दूँ तो वायरिंग का जो है कनेक्शन को खोजना पड़ेगा कलर के हिसाब से, और कौन सा कनेक्शन कहाँ गया हुआ है, तभी जाके ईजिली आप वायरिंग कर पाएंगे। सेकेंड जो है डीप नॉलेज, अगर डीप नॉलेज है तो आपको वायरिंग कितनों भी कटिंग करके दे दे कोई भी, तो इजीली आप वायरिंग को कर पाएंगे। अगर डीप नॉलेज जानना है फ्रेंड तो ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो में, तो मैं डीप नॉलेज के लिए एक अच्छी सी वीडियो को बना पाऊँ, छोटा छोटा वीडियो या बड़ी वीडियो, जिससे कि आपको डीप नॉलेज हो और आप अपना होम थिएटर का प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाए। और वायरिंग कनेक्शन मैन समझना है तो वायरिंग कनेक्शन मैन समझ जाओगे तो इजीली कोई भी होम थिएटर हो तो अपना प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज जो हमारा वीडियो है सिर्फ वायरिंग का, सिर्फ करके आपको दिखाऊंगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो चैनल पे न्यू है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पर वायर जोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, जो जो मेरा यहाँ पर वायर कटिंग हो चुका है। तो ये वायर हमारा जो है चूहे ने काट के बर्बाद कर दी, जो कि मेन वायर पावर का है। तो थोड़ा थोड़ा कटिंग किया, तो मैं टेपिंग मार के भी यहाँ पे चला सकता या वायर चेंज करके भी आप चला सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे वायर में करंट करके मैं ऐसे ही टेपिंग मार के चला दे रहा हूँ। और जहाँ तक होता है ये तो नहीं चलेगा पूरा कि पूरा वायर ही काट दिया, तो यहाँ पर मैं न्यू वायर इंस्टॉल करूँगा। तो आपका भी ऐसा है तो न्यू वायर ही इंस्टॉल कर ले, ताकि आपके लिए अच्छा हो। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे न्यू वायर को इंस्टॉल कर रहा हूँ, मेन पावर के वायर जो हमारा है ट्रांसफार्मर का, वो वाली ही वायर इसने काट दिया है, जिससे कि हमारा होम थिएटर अभी ऑन ही नहीं हो रहा है। तो ये लगाने के बाद जो हमारा होम थिएटर है वो इजीली ऑन हो जाएगा। और कुछ वायर और भी काटा है, जो कि आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं। और ये हमारा कनेक्शन हो गया है फ्रेंड, और इसको भी टेपिंग कर लेंगे। तो जहाँ भी वायर को जो भी जोड़े टेपिंग कर ले अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी शॉर्टेज ना हो फ्रेंड। और शॉर्ट होने से बहुत ही बड़ी नुकसान हो सकता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता शॉर्ट होने के बाद जल्दी से। और शॉर्ट जल्दी से ना करें, कहीं पे भी गलती मिस्टेक ना करें, और शॉर्ट हो जाती है तो प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है। तो चलिए, मेरे यहाँ पे बूफर के वायर को काट दिया, तो बूफर के वायर को यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो
तो सिंपल से ज़्यादा वायर का कटिंग यहाँ पे नहीं किया था फ्रेंड। और एक होम थिएटर जिसका पूरा वायरिंग करके मैंने दिखाया, उसके वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो फुल वायरिंग का भी वीडियो हमारे चैनल पे बनी हुई है। अब चलिए यहाँ पे बूफर के कनेक्शन को कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए वीडियो को बनाया हूँ क्योंकि इस तरह का भी होम थिएटर को रिपेयर इजीली आप कर सकते हैं, और इसीलिए दिखाने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। बट आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा, तो फ्रेंड आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें फ्रेंड। और इस वीडियो में थोड़ा सा ही नॉलेज जो था, मैं फ्रेंड रियल ही वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ, हमारे पास रियल वीडियो है, तो जहाँ तक प्रॉब्लम था वहीं तक मैं इस वीडियो में दिखाने का कोशिश किया हूँ। तो फ्रेंड हमारा प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो चुका है और मैं अब ऑन करेंगे और इसको चलाएंगे। तो इजीली यहाँ तक का प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम आता है, वायर कटिंग का प्रॉब्लम आता है, तो वायर कनेक्शन को चेक करके, और आपके पास मल्टीमीटर होना ज़रूरी है। अगर मल्टीमीटर नहीं है तो हमारा मल्टीमीटर का वीडियो देख के आप मल्टीमीटर हमसे परचेज कर सकते हैं फ्रेंड। तो मल्टीमीटर आपको ज़रूरी कंपल्सरी है। तो चलिए फ्रेंड आज के वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो इस चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप